कहते हैं कि म्यूजिक एक थेरेपी है. बहुत सारे ऐसे, जब रफ़ी साहब ने जिस्मानी रूप से हमसे अलविदा कहा तो लगा जैसे संगीत का एक युग समाप्त हो गया. संगीत तो रहा लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा हमसे बिछड़ गई. लेकिन ऐसे ही एक और कलाकार जिनको अब हम यहाँ से दिल से ट्रिब्यूट देना चाहेंगे, जब भी अभिनय की बात होती है उन्हें सबसे पहले याद किया जाता है, क्योंकि उन्हें अभिनय सम्राट कहा जाता है, दिलीप कुमार साहब, जो अभी अभी जिस्मानी रूप से हमसे जुदा हो गए. और कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभिनय का भी एक युग उनके साथ समाप्त हो गया. रफ़ी साहब और दिलीप कुमार ये दोनों ऐसे दिग्गज कलाकार हैं कि भारतीय फिल्म इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में उनका नाम सदा के लिए लिखा हुआ था, लिखा हुआ है और लिखा हुआ रहेगा. और भारतीय फिल्म जगत जब जब अपने इतिहास को पलट के देखेगा, ये दो नाम हमेशा ही उभर कर सामने आएंगे. तो आज रफ़ी साहब के इस नगमे से दिलीप कुमार साहब को हम दिल से स्वरांजलि देते हैं, क्योंकि उन पर पिक्चराइज्ड ये गाना है. दास्तान फिल्म का ये गाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, साहिर लुधियानवी साहब के बेहतरीन शब्द. और फिर से एक बार दिल से दिलीप साहब को याद करते हैं. न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए. न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए. पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, ओ, पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, वो शाख ही ना रही जो थी आशियां के लिए. न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए. गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ओ, गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ये शह बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए. न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए.